इंशाल्लाह हम पहला सवाल जो है चीट पे से लेते हैं। सवाल इस तरह है, जैसा कि आपने कहा कि वो लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद हैं जो बस इतना कमाए कि इस दिन के लिए काफी हो, तो इस पर हमारा सवाल ये है कि अगर कोई अपनी तिजारत सिर्फ एक घंटे में बंद कर दे, क्योंकि वो इस एक घंटे में इतना कमा लेता है कि इस दिन का गुजारा हो जाए, तो क्या ऐसा करना सही है? क्योंकि ऐसा करने से इसकी तिजारत पर असर पड़ सकता है। वजाहत कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला खातमिन नबीयीन वल मुरसलीन, रब्बि इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अम्मा बाद, किसी ने एक बड़ा अच्छा सवाल किया है कि मैंने जो कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को पसंद किया जो जितना बस ज़रूरत है उतना कमाते हैं, तो अगर कोई भाई अपनी दुकान चलाता है तिजारत और एक घंटा कमाता है और उसके बाद बंद कर देता है, चूँकि उतना तो कमा चुका होता है कि वो दिन उसका गुजर जाए या उसकी ज़िंदगी गुजर जाए, तो इसकी बिज़नेस का फिर कैसा होगा? क्योंकि ऐसा करने से इसकी तिजारत पर बड़ा असर पड़ेगा, इसकी वजाहत करें। देखिए, बताने का यहाँ मकसद जो था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस में ये था कि इंसान तिजारत या बिज़नेस को एक घंटे में ना बंद कर दे, लेकिन अगर किसी को इतनी रोज़ी अल्लाह ताला एक घंटे दो घंटे में दे देता है तो वो फिर वहाँ से निकल जाए, किसी और को वो जिम्मेदारी दे दे, लोगों को अपॉइंट कर दे कि जो काम करे, और वो फिर वो काम करे जो सहाबा वगैरह खाली वक्त में किया करते थे। अब ये नहीं कि एक घंटा कर लिया, कमाई होगी, अब घर जाके सोते पड़े रहना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इब्ने आदम पर हर सुबह 360 जोड़ों के हिसाब से सदका है, तो दो भाइयों में सुलह कर देना भी सदका है, किसी का सामान उठा देना भी सदका है, किसी की मदद करना भी सदका है, किसी, है ना, बहुत सारी बातें उस हदीस में आती हैं। तो लिहाजा अब वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर सकता है, फर्ज के अलावा नफिल नमाज भी इजाफा कर सकता है, रिश्तेदारों से मुलाकात कर सकता है जो कि एक बहुत अहम चीज़ है, लोगों की मदद कर सकता है, अपनी सोच और सलाहियत से दूसरों के बिजनेस डेवलपमेंट के लिए सोच सकता है, दूसरे एंटरप्रेन्योर्स मतलब दूसरे मुसलमान आगे बढ़े और वो बिजनेस में आए उनके लिए कोशिश कर सकता है। इसकी सलाहियतें पता नहीं कितना काम आ सकती है। तो यहाँ एक घंटा बिजनेस करके बैठना नहीं है, हाँ ज्यादा से ज्यादा कमाएगा तो ज्यादा मदद भी तो कर सकता है, वो ये कर सकता है कुछ देर बिजनेस पर रहकर उसके बाद का वक्त उम्मत के लिए सर्व कर। आज कितने ऐसे काम है जिनमें उम्मत में अच्छे लोगों की जरूरत है जो मिलते नहीं है, समझदार और सोच वाले लोगों की जरूरत है जो आगे बढ़कर आए और अपनी सलाहियतों को दीन और इस्लाम और मस्जिद और मदरसे और दीनी इदारों के लिए जो सर्व करें, लेकिन ऐसे लोग नहीं, सोशल वर्क के लिए करें, ऐसे लोग मिलते नहीं है। क्यों नहीं मिलते? इसलिए कि वो लोग अपना पूरा जहन 100% अपने बिजनेस में लगा रहे हैं। तो जहां अल्लाह ताला ऐसे शख्स को एक घंटे में दे रहा है, दुकान जारी रखें, इसलिए कि उसके जरिए कई लोगों के घर चलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन उसने जब ये काम कर लिया, अब उसके पास माशाल्लाह 1 बजे तक वो फ्री हो गया, 1 बजे के बाद से शाम तक वो बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव वर्क कर सकता है, जिससे उम्मत मुस्लिमा के भले के लिए, अपनी कम्युनिटी सोसाइटी जहाँ रहता है उस शहर उस मुल्क के भलाई के लिए कर सकता है। इस चीज़ की आज बहुत सख्त जरूरत है, याद रखिए कि वॉलेंटरली लोग आगे बढ़े। तो लिहाजा हदीस में जो कहा जा रहा है उतना कमाए जितनी जरूरत है, बताने का मकसद ही उतना कमाओ जितनी जरूरत है और उसके बाद बहुत सारे काम करो। हम कई सहाबा को देखते हैं जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे लेकिन वो पूरी जिंदगी इसमें नहीं लगाते थे। आप देखिए वो एतकाफ भी कर रहे हैं रमजान के अंदर, आप देखिए वो नवाफिल के अंदर रात रात भर आपको खड़े हुए दिखेंगे, आप देखिए उनको जब जरूरत पड़ती है तो मुसलमान जंग पे जाते हैं तो वो जंगों के अंदर मिलेंगे। तो क्या बिजनेस बंद कर दिए? तो नहीं, तिजारत चल रही है, लोग संभाल रहे हैं, लेकिन वो अपनी सलाहियतों को दूसरी जगह भी लगा देते हैं। समझ रहे हैं बात को? खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह मुसलमान फौज में, तो क्या इनको कोई बिजनेस वगैरह नहीं था? वो भी था, लेकिन फुल टाइम सर्विस इस्लामिक ममलकत को वो दे रहे थे और उनका बिजनेस पार्ट टाइम और फुल टाइम चल रहा है। तो लिहाजा ये एक्सपेक्टेड है कि उतना कमाइए जितना आपको जरूरत है, इसके बाद भी आप कमा सकते हैं, इस्लाम मना नहीं करता, और ये भी खैर का पहलू है, इनकम आएंगी तो आप बहुत सारी जगह सदकात खैरात कर सकते हैं। तो लिहाजा वो इस टाइम को कंस्ट्रक्टिवली उम्मत के लिए, उसके खैर के लिए, उसके भले के लिए, उसके फायदे के लिए लगाए तो उसके बिजनेस में इंशाल्लाह कोई असर नहीं पड़ेगा। और अगर ऐसी प्रैक्टिस वो शुरू कर देंगे ना तो अल्लाह ताला ऐसी जगहों से उसको रिश्त देंगे जहाँ से उसने सोचा भी नहीं होगा। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की पाते हुए हमने ऐसे लोगों को देखा जो बहुत कम वक्त लगाते हैं। आपको अगर वाकया पता हो या कभी आपने देखा हो, बहुत सारे ऐसे हजरात जो बिलखसूस हरम काबा जो है, काबा के अतराफ जो साफ सफाई करने वाले लोग होते हैं, आपको पता है ये बहुत मखसूस लोग होते हैं, सब नहीं कर सकते सफाई, मतलब वो सब में भी बहुत मखसूस लोगों को अपॉइंट किया जाता है उसकी सफाई के लिए, और उनके अंदर वो लोग जो सफाई करते हैं ना, उनमें से कुछ लोग अपने मुल्कों में बिलियनर्स है, मतलब खरबोपति जिसको बोलते हैं आम जवान,
अल्लाह ने इतना दे रखा है, लेकिन ना कभी बिजनेस देखा, ना कभी तिजारत पे गए, हराम की सफाई कर देते हैं, मौका मिला तो मुल्क गए, देखा करा फिर आके लग गए वहां जरा लगना। जिसको आप देख के बोलेंगे टोपी और हरे कुर्ता और हरे शर्ट वगैरह, ये अलग अलग कैटेगरीज होती जो सामने होते जो पीछे होते, आपको लगेगा पता नहीं बेचारा बहुत गरीब होगा, मासूम बेसहारा बेकस परेशान हाल होकर यहाँ आऊंगा। नहीं मेरे भाई, वो इतना माल रखता है कि शाम में आप देखेंगे बड़ी ऑडी के अंदर या बड़े बड़े गाड़ियों में जाता हुआ निकल और यहाँ सफाई करते खड़ा। उसको अपना पर्पज सर्व हो गया, दुनिया भी उसको मिल रही है, आखिरत की तैयारी भी करता है। आप समझ रहे ना आप बोलने का मतलब ये? तो यहाँ आपको ये नहीं करना है कि मैं जो कह रहा हूँ कि बस उतना कमाए। आपको अल्लाह ने सलाहियत दे रखी है, आप दिन भर कमा सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन आप दिन भर अपने वक्त को उसमें मत लगाइए। साथ में जो जो हुक्म शरीयत में दियो कीजिए, इसके अलावा बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज जिसके लिए इस उम्मत को जिसकी खास ज़रूरत वो भी कीजिए इंशाल्लाह। फिलैंथ्रोपी एक्टिविटीज हो सकती है जिसमें आपने पैसे के जरिए कुछ काम करें उम्मत के लिए, बहुत सारी चीज़ें वो कीजिए इंशाल्लाह। तो अल्लाह ने आपको अगर एक घंटे में दे दिया, बाकी वक्त फिर अल्लाह के काम में आप लगाइए। आप देखिए इस उम्मत में अगर चंद लोग भी फारिग हो जाए ना, तो उम्मत कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगी अपने दुनियावी मामलों के अंदर इंशाल्लाह और उखरवी मामलों के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को इस चीज़ की तौफीक अता फरमाए। डाउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए, डोनेशन डिटेल्स के आए हैं तो इसे शेयर करें और सवाब के हक़दार बने। रोज़ाना बेल आइकन दबाएं हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए।